लालू यादव के सात बेटियां क्या करते हैं सातों दामाद, कोई रहा सांसद तो कोई हारा विधायकी, कोई उड़ाता है हवाई जहाज, कोई कांग्रेस में कोई सपा में, राजनीति में है चार दामाद, एक कंप्यूटर इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन और क्या करती हैं बेटियां। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने परिवार को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहे। उनकी सात बेटियां हैं और दो बेटी, उनकी विरासत को दोनों आगे बढ़ा रहे हैं। बेटे राजनीति में हैं, वहीं बेटियां ब्याही जा चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के दामाद क्या करते हैं? तो शायद जवाब होगा नहीं, क्योंकि कुछ के बारे में तो लोगों को पता है, लेकिन अन्य बेटियों के बारे में शायद ही कुछ लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं। और उनके पति क्या करते हैं इसकी जानकारी तो असंभव ही है। लेकिन हम आपको बताते हैं लालू के सातों दामादों के बारे में, क्योंकि उनमें से कोई इंजीनियर है, कोई वकील, कोई डॉक्टर, तो कोई राजनीति में किस्मत चमका रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी बेटी मीसा भारती। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती मौजूदा वक्त में सांसद है। मीसा भारती की शादी साल 1999 में शैलेश कुमार से हुई थी। लालू के बड़े दामाद शैलेश कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं। उनकी दो बेटियां हैं और एक बेटा। शैलेश दिल्ली में रहकर अपना व्यवसाय करते हैं। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी का नाम है रोहिणी आचार्य। रोहिणी की शादी साल 2002 में बिहार के औरंगाबाद में रहने वाले समरेश सिंह से हुई थी। समरेश कंप्यूटर इंजीनियर हैं। रोहिणी अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं। रोहिणी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में रोहिणी ने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दान की है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी जमकर चर्चा हो रही है। चंदा यादव लालू यादव की तीसरी बेटी का नाम है चंदा यादव। चंदा की शादी साल 2006 में विक्रम सिंह से हुई थी। विक्रम इंडियन एयरलाइंस में पायलट हैं। वहीं चंदा यादव ने वकालत की डिग्री हासिल की है। रागिनी यादव लालू प्रसाद यादव की चौथी बेटी हैं रागिनी यादव। रागिनी की शादी साल 2012 में कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल से हुई थी। जितेंद्र यादव फिलहाल सपा में है। रागिनी के पति राहुल यादव भी समाजवादी पार्टी में है। सपा के टिकट पर राहुल यादव ने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हालांकि तेजस्वी यादव समेत लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए प्रचार किया था और वोट मांगे थे। हेमा यादव लालू यादव की पांचवी बेटी का नाम है हेमा यादव। हेमा यादव की शादी भी दिल्ली के एक राजनीतिक परिवार में हुई है और उनके पति विनीत यादव भी राजनीति में सक्रिय है। धनु उर्फ अनुष्का राव धनु उर्फ अनुष्का राव लालू राबड़ी की छठी बेटी है। उनकी शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव के साथ हुई। चिरंजीव राव रेवाड़ी हरियाणा से एमएलए हैं। चिरंजीव हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चिरंजीवी को राहुल का करीबी माना जाता है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में वो काफी सक्रिय दिखे। राजलक्ष्मी यादव लालू राबड़ी की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव की शादी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुई। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं। तेज प्रताप की शादी सैफई में हुई थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत अमिताभ बच्चन के साथ साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे थे। कहा जाता है कि राजलक्ष्मी और तेज प्रताप की मुलाकात अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।